करेले की अचारी और मजेदार सब्जी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम करेले लिए और उनको स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले हाफ लेमन ऐड कर देंगे, आधा चम्मच नमक स्प्रिंकल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर आधे घंटे के लिए रख देंगे। करेले को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको निचोड़ लेंगे। अच्छे से निचोड़ेंगे, इसका कड़वापन निकल जाए। जिससे अब हम इसके पानी को हटा देंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच सौंफ पाउडर ऐड करेंगे, दो चम्मच बेसन ऐड करेंगे, एक चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको कवर कर 10 मिनट और रख देंगे। हमने कढ़ाई ले ली है, सबसे पहले हम इसमें 2 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। और मस्टर्ड ऑयल को अच्छा गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे और इसको 30 सेकेंड सॉटे कर लेंगे। मसाले अच्छे से सॉटे हो चुके हैं, जो हमने करेले मसाले लगाकर रखे थे ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे, इसको 3 मिनट फ्राई करेंगे। इतने हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। हमारे करेले को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको कवर कर सुनका फ्लेम स्लो कर देंगे और कवर कर 10 मिनट पका लेंगे। करेले की सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं स्लो फ्लेम पर, अब हम इसको चेक कर लेंगे। करेले अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। दो हरी मिर्च ली है, ये भी ऐड कर देंगे और इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। करेले की अचारी मजेदार सब्जी बनकर तैयार है, इसको रोटी पराठे के साथ सर्व करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।